नमस्कार, हम हैराना अरुआ देख रहल बानी मैच बॉक्स। मैच बॉक्स के दौरा जन बा लगातार चल रहल बा। जैसे चुनाव नजदीक आवता हमनी के भी दौरा एकदम तेज कइले जातन जा। जे तरह से शिलान्यास और जनसंपर्क के दौड़ पूरा गति में चल रहल बा, वैसे ही मैच बॉक्स के भी गति बरकरार बा। और ये गति आज सिवान जिला के जीरादेई विधानसभा में आके धीमा भइल तनी सा। काहे कि हम सोचनी है कि सबसे पहले हमरा मिले के चाही जे जीरादेई के वर्तमान विधायक बा ओकरा से। आज हम बातचीत करे जा रहल बानी जीरादेई विधानसभा के जदयू के वर्तमान विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी से। यहाँ के बारे में थोड़ा सा हम परिचय दे दी। यहाँ के सबसे पहले 1991 में लोकसभा के चुनाव लड़नी, माले के प्रत्याशी रहनी सीवान से। 1995 में मीरगंज विधानसभा से यहाँ के विधानसभा के चुनाव लड़नी। 1996 में पुनः लोकसभा के चुनाव लड़नी माले से ही। 1998 में फिर चुनाव लड़नी लोकसभा के सीवान से माले से ही। 2009 में लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रहनी यहाँ के महाराजगंज लोकसभा के। 2010 में निर्दलीय विधानसभा प्रत्याशी रहनी महाराजगंज के। और 2015 में जब जदयू और राजद के अलायंस भइल तो यहाँ के जदयू के कैंडिडेट भइनी जीरादेई विधानसभा के और ओबार यहाँ के विधायक बननी। हमारे साथे मौजूद बनी रमेश सिंह कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत बराबर। इस नई चैनल के हम प्रणाम करतनी। यहाँ जे भी उपस्थित ग्रामीण लोग बा, सब लोग के हृदय से धन्यवाद देतनी। विधायक जी, पहला सवाल हमारा सवाल एकदम सीधा होला, पिछला 5 साल के जो कार्यकाल रहल बा कौन कौन काम रउआ करेले बनी, कौन कौन ऐसा विकास की योजना बा जौन रउआ हाथे रउआ द्वारा यहाँ पे करावल गेल बा जौन याद होके तौन बताई। देखिए, सबसे बड़हन काम तो विधानसभा क्षेत्र में ई भइल बा कि एजा मेडिकल कॉलेज सिवान जिला में ना रहला जी। आ जब ई निर्णय भइल सरकार के जरिए कि 50,000 के आबादी पर एगो मेडिकल कॉलेज खोलल जाए, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करके उनका के आवेदन देनी नीतीश कुमार जी के जी। आवेदन में साफ साफ लिखले रहनी कि हमार जोन विधानसभा क्षेत्र बा ई राजेंद्र बाबू के धरती है, राज आ वही जैसे हम विधायक बनी। आ हमार जोन विधानसभा क्षेत्र जोन बा उत्तर प्रदेश आ बिहार के सीमा से जुटता, सबसे अंतिम विधानसभा क्षेत्र बा बॉर्डर के। तो रउआ वजह एगो मेडिकल कॉलेज बनवा दी, तो वहाँ के कहनी कि ठीक बा जमीन बा। हम कहनी कहाँ वहाँ कृषि फार्म के जमीन बा, कुष्ठ आश्रम के जो राजेंद्र सेवा कुष्ठ आश्रम पर हमी के बैठल बन जा, एक भी हम लिख के दले रह। तो लेकिन अगर जब वहाँ से टेक्निकल कमिटी आई, जब सर्वे भइल, यहाँ के भौगोलिक स्थिति जमीन को उतना अच्छा ना रहे, जकरा चलते कृषि फार्म मैरवा में मेडिकल कॉलेज बने जाता 564,84,00,000 रुपया के लागत से। ई हमारा राजनीतिक जीवन के आ जीरादेई क्षेत्र के इतिहास में ई सबसे बड़ा काम होके जा रहा बा, मेडिकल कॉलेज बने जा रहा बा। एकरा अलावा सबसे बड़ा एगो रोड के काम भइल बा, 29 करोड़ के एक ही पैकेज बा। रउआ चल जाइ नौतन के नहर के तटबंध होते, आ रउआ वो मैरवा के भी जोड़ता उ सड़क, आ जीरादेई के भी ब्लॉक के जोड़ता, मनिया होते हुए तियाए तक ले चल गई बा, आंदर के भी जोड़ता, ओकरा साथे हमनी के रघुनाथपुर चल जाइ जा। सबसे बड़हन काम भइल बा। एकरा अलावा नौतन मोड़ से लेके आ ससा मूसा तक जो सड़क जाता, वो सड़क के भी चौड़ीकरण होके जा रहा बा, काम लागल बा, कुछ काम हो भी गई बा। फिर ठेपहाँ हाई स्कूल से लेके आ नौतन तक ले पथ निर्माण विभाग से टेंडर होके जा रहा बा, लगभग 3 अरब के लागत से ग्रामीण कार्य विभाग में हमारा विधानसभा क्षेत्र में 33 गो पंचायत बा, एगो नगर पंचायत बा, 33 पंचायत में औसतन 4 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक लेके काम ग्रामीण कार्य विभाग से भइल बा। हर टोला, हर गांव, हर बसावट पीच रोड से जुट गई बटे। तो ये सब सड़क के मोर्चा पर भी काम भइल बा, स्वास्थ्य के मोर्चा पर बिजली काम भइल बा। हर गांव में तो 2018 में सब लोग जाना था, पूरा ग्रामीण लोग ये बात के गवाह बा कि ओजा हर गांव में बिजली कनेक्शन आ गई बटे। तो रोड के मामले में, बिजली के मामले में ई काम भइल बा। हमारा विधायक निधि से 3 साल मिलल हमनी के 2-2 करोड़ रुपया, 3 साल मिलल हमनी के 3-3 करोड़ रुपया।
तो लगभग सब मिला के 12 करोड़ तो कुछ तो हमने के लौटा देनी जा। कोरोना में बाढ़ पीड़ित लोग के पैसा अपना फंड से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिख के दे देनी जा, लेकिन जो शेष पैसा बचल वो शेष पैसा के हम हर गांव में, जैसे कभी आज जो शिलान्यास कहनी है, हमारा विधायक निधि के पैसा रहला, खैरा में 15 लाख के लागत से, शीतल सिसवा में 45 लाख के लागत से 3 गो सड़क, शीतलपुरा यही जा बगल के गाँव में इंग्लिश पंचायत के, वो हमारा विधायक निधि के 30 लाख के लागत से, हम जहाँ बैठल बानी ये हमार गांव हो, एजा भी आज 15 लाख के लागत से रोड के उद्घाटन कैनी यहाँ, ये गांव में एगो 14 लाख के लागत से बाउंड्री बाल बनवले बनी, धराहरा जोन गांव बा वहीजा छठ घाट बनवले बनी। अभी 4 दिन पहले हम अपना पंचायत में 4 ग्रामीण कार्य विभाग के 4 गो रोड के शिलान्यास कैनी यहाँ, एगो मैरवा धमऊ रोड से जोन बिशनपुरा दलित बस्ती में रास्ता जाता लगभग 56 लाख के लागत से, ओकरा के हम शिलान्यास कैनी यहाँ। एगो संजय राम के घर से कलुआ दरगाह होते हुए सुमेरी छापर रास्ता जाता, ओकरा के भी हम शिलान्यास कैनी यहाँ। एगो और सेमरा दुर्गा भगत के दुकान से लेके इंग्लिश छठू राम जी के टोला में दलित बस्ती में रास्ता जाता, वो भी रास्ता हम बनवा देनी। एगो और पाठक जी लोग के घर से शेमरा में जन मला टोली होते हुए कुशवाहा लोग के टोला में जाता, वो रास्ता के भी हम शिलान्यास कनी। तो कौनो ऐसा पंचायत नहीं है, रघुआ चल जाए श्यवतापुर पंचायत में अभी मैरवा नौतन पथ से गोबरही होते हुए मैदनिया नौका टोला तक ले करीब 1.5 करोड़ के सड़क के भी निर्माण हो रहा बा, फिर से मैदनिया में पूर्वी मैदनिया टोला में भी छठ घाट बनौले बनी, पश्चिम टोला मैदनिया में भी घाट बनौले बनी, डोमडी में भी घाट बनौले बनी, एगो मैदनिया सबसे जौन नौका टोला मैदनिया बा झरई नदी के किनारे किनारे जौन डोमडी रास्ता जाला वोजा भी 30 लाख से ईंटकर्म करौले बनी। अभी काल ही श्यवतापुर पंचायत के 8वां गांव में 15 लाख के सड़क के हम शिलान्यास करके आयल बनी। एगो और भीषा जन दलित लोग के बस्ती बा ओजा भी रोड बने जाता, ए लखन कौनो ऐसा पंचायत नहीं है, जन 33 गो पंचायत बा कौनो ऐसा पंचायत नहीं है। चाहे रुआ चल जाई नौतन के मुरारपट्टी पंचायत में आज से 3 दिन पहले ओजा भी हम 3 गो रोड के शिलान्यास कैनी यहाँ, फिर 14 के डेट बा वो दिन हम 26 गो रोड के ओजा शिलान्यास करे, सब ग्रामीण कार्य विभाग से बनता, कौनो रोड बाकी नहीं है। जीरा देई में भी रुआ हसुआ में चल जाई, हसुआ में भी एक दिन गई रहनी 4 रोज पहले, तो ओजा भी करीब 2.5 करोड़ के लागत से ग्रामीण कार्य विभाग के रोड के शिलान्यास कैनी। अभी 2 गो रोड के भी और शिलान्यास करे के बा, छोटका माजा में भी रोड बनल बा ग्रामीण कार्य विभाग से, तीतरा में भी जब तीतरा मिश्रौली टोला गंधू छापर जाता वो रोड के भी हम बनवौनी, ठेपा में भी पंचायत में हम अपना लागत से जन मुइया गांव बा वो गांव में भी हम काम करौले बनी अपना विधायक निधि से, ठेपा में दलित बस्ती में काम करौले बनी, एगो पूर्वांचल टोला बा ओजा भी 30 लाख के काम करौले बनी। ए लखन हम कवना कवना पंचायत के गिनाई, हर पंचायत में काम भइल बा, जनता गवाह बा। और हम पहले कोनो भी विधायक से हम अपना क्षेत्र में ज़्यादा काम करौले बनी, बहुत बड़ा अचीवमेंट बा ईजा हमारा विधानसभा क्षेत्र में, इतना काम कबो ना भइ रहला। अभी पुनः रउआ चुनाव लड़े वाला बानी, चूंकि रउआ विधायक बने स्थानीय तो टिकट के दावेदारी सबसे प्रबल रहुरे बा और संभावना बा कि टिकट रउए मिली। अगर पुनः रउआ के जीरा देई विधानसभा के लोग मौका देता तो कौन ऐसा सपना बा, वो कौन ऐसा विकास कार्य बा जो अधूरा बा और पूरा नहीं खेब? देखिए पहलका तो बात ही बा कि बहुत सारा प्रत्याशी लोग आई जनता के अदालत में खड़ा रही आ सब लोग कुछ ना कुछ अपन घोषणा करी, अपन मैनिफेस्टो जारी करी, अपन मुद्दा बताई, लेकिन हमार मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हम पार्टी के बानी, तरुआ सब जानत तनी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये 15 वर्ष में बिहार के सूरत वहाँ के बदल दल बनी, बिहार के चेहरा बदल दल बनी, वहाँ के नेतृत्व में 15 वर्ष में बिहार में जितना आधारभूत ढांचा जौन बा जमा के इंफ्रास्ट्रक्चर कहल जला ये काफ़ी मजबूत भइल बा, बिजली के मोर्चा पर, सड़क के मोर्चा पर,
शिक्षा के मोर्चा पर, स्वास्थ्य के मोर्चा पर वहाँ के काम कैले बनी। और आवे वाला दिन में भी अगर हम चुनाव जब जीत तनी यहाँ से, जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से, यहाँ के अगड़ा पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित महादलित सबके सहयोग से, हम केहू के अपना पार्टी के में बंधन में ना, हम हर समाज के बीच जाइले, हर तबका के लोग के बीच जाइले, वो हमारा पार्टी के जन आधार ना होके हम वहीं में भी जाइले, आ सब लोग से हमारा स्नेह प्रेम सद्भाव सब लोग से हमार बनल बा। आगे अगर हम चुनाव जीते तो जौन भी बचल खुचल काम हुई, चाहे वो सड़क के मामला हुई, स्कूल में जहाँ बिल्डिंग ना हुई ओकरा के हम बिल्डिंग बनवाए, जितना भी उप स्वास्थ्य केंद्र बा जहाँ के बिल्डिंग जर्जर बा, नैखे भवन बनल, ओकरा के भी हम प्रयास करब कि ओजा भी बिल्डिंग हो जाओ, ओजा भी भवन बन जाओ, स्कूल स्वास्थ्य इस दू पर हमार अगला बार ज़्यादा फोकस रही, हम ज़्यादा अपना के केंद्रित करब वही पर। जनता के एगो सवाल बटे, रुआ कहता नहीं कि रुआ भवन पर ध्यान दें, जीरादेई ब्लॉक के भवन जोन बटे रुआ भली भांति अवगत बानी, जीरादेई खाती राजेंद्र बाबू खाती कलंक बनल बटे, जीरादेई में वहाँ के घर के बगल में जोन आयुर्वेदिक अस्पताल बा, जौना के भवन भी गायब बा, अस्पताल के नाम लोग जाके आसपास के जानत नहीं, राजेंद्र कुष्ठ आश्रम जहाँ हमने के भी बैठल बनी, ये दोनों के स्थिति बहुत बुरा बा। नीतीश जी के 15 साल से सरकार बा, कुछ ना बोल, राउत 5 साल हो गई यहाँ पूरा हुई, का कैले बनी रुआ एक रखाती। लेकिन पहलका बात बा कि जहाँ बैठल बने यही से शुरुआत करी जी, ये ट्रस्ट के हो, ये बिहार सरकार के ना है ना केंद्र सरकार के हो, जब दिन बाबा रहलन तो बड़ा कुष्ठ आश्रम के जो संस्था चलते रहे बड़ी कुछ रोगी लोग रहे, ये बताई वो बीमारियाँ खत्म हो गई, बीमारी है ये नहीं कि जब हमने के देश में तो हॉस्पिटल के का जरूरत बा, अब ये जमीन पर दोसर कुछ बनी आवे वाला दिन में, आ हमरा उम्मीद बा जब मेडिकल कॉलेज बन जाता तो यही जमीन पर नंबरों रही, आवे वाला दिन में सरकार सोची कि ये जमीन के भी उपयोग कर जा, लेकिन बिहार सरकार के जमीन ना है, ये ट्रस्ट के जमीन है, आ हमरा जहाँ तक ले जानकारी बा कि सारा ट्रस्टी लोग के मृत्यु हो चुकल बा, आवे वाला दिन में जमीन के कैसे स्थानांतरण होई, बिहार सरकार करा के कैसे टेक ओवर करी, ए पर विचार होई, ए पर आवे वाला दिन में का बन सकता, बनी इंजीनियरिंग कॉलेज तो सिवान में बनिए रहल बा, पॉलिटेक्निक कॉलेज हमने यहाँ बनिए रहल बा, तो और भी जौना चीज के जरूरत महसूस कर जाई, ए पर विचार आवे वाला दिन में होई। जहाँ तक जीरादेई के सवाल बा आयुर्वेदिक कॉलेज के, एकरा खातिर विधानसभा में हम क्वेश्चन भी लगौले रहनी, आ हमरा बुझाता के आवे वाला दिन में वो आयुर्वेदिक कॉलेज भी बनी और कोनो फंड से ना बनी, हम अपना फंड से आयुर्वेदिक कॉलेज, अपना विधायक निधि से आयुर्वेदिक अस्पताल के बिल्डिंग हम बनाए, अब में इलाज के प्रक्रिया भी शुरू हुई, बाकी काम तो हुई गई बा, जहाँ तक ले ब्लॉक के बाद सिर्फ जीरादेई के नहीं के मामला, नौतनों के मामला बा, वहाँ के जमीन के खोज हो रहा बा, अभी नरकटिया में सर्वे भइल बा, वहाँ जमीन के पता चलता, आ ओकर भी जीरादेई ब्लॉक के भी जमीन कभी केहू भैंसा खाल में बतावेला, केहू कहीं कहला, लेकिन सरकार के नजर बा ओकरा के देख के, ओकरा के सर्वे करके कहाँ ब्लॉक के ऑफिस बनी तो ठीक रही, वो हिसाब से हमरा बुझा तक अगला बार में दोनों जगह ब्लॉक के बन जाए, पहले थानों के ऑफिस ना रहला, लेकिन थाना तो बन गई टाउन ओजा जीरादेई में जी। बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनल बा, ऐसा नहीं है कि नहीं है भाई, अब हाँ है ना, सबसे बढ़िया बिल्डिंग बनल बा, ए सरकार में थर्ड ग्रेड ना होला, सब एक मतलब नंबर के काम होला, है ना, ठीक बात। देखी बिहार सरकार नीतीश कुमार जी जो हम काम कर लेनु तब विपक्ष के लोग तो आलोचना करी, लेकिन वो 15 बरस तन पीछे चल न जाई, वो बेरा कौन कौन ग्रेड चलत रहे, वो बेरा का होत रहे, कितना विकास वही रहे, हमने के मैरवा से जब सिवान जाई जाते एक एक घंटा लागे, आज रुआ 20-22 मिनट में रुआ सिवान पहुंच जाए, हमने के घर से चलत नहीं जा तो 3.25 घंटा में हमने के पटना पहुंच जाते नहीं जा, अधिकतम कहीं जाम हम भले तो हमने के 3.5 घंटा में तो पहुँचे जाए ले जाए पटना, तो सड़क की स्थिति तो बेहतर भइल बा, और राज्य से तो राज्य में बहुत काम भइल बा, एकर बजट भी 5 गुना में गइल बटे गवर्नमेंट के। एगो आरोप रउआ पर बड़ा गंभीर बटे, जीरादेई विधानसभा के स्वर्ण लो रउआ से काफी नाराज रहला, वो लोग का आरोप रहला कि रउआ कहनी कि वो हमारे वोटर ना हलो, जबकि अगर एनडीए के बात कर जाओ तो भाजपा के मूल वोटर वह हलो। साथ ही मुख्यमंत्री जी के एगो बयान बा कि SC ST के अगर केहू मरता, केहू स्वर्ण के द्वारा मारल जाता तो ओकरा के नौकरी मिली, दोनों कहाँ तक जायज बा,
पहलका बात बा कि हम कबो नहीं कहले कि सबन लोग हमर वोटर ना है। हम कभी आज तक ले जाति पाति या बैकवर्ड फॉरवर्ड के बातें ना बतियाइए, हम जनता के बात बतियाइले आ कहले कि अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक सब लोग शिवान के नागरिक बा, जीरादेई विधानसभा के नागरिक बा, जे वोट दिले बा वो जो नहीं दिले वो सब लोग हमार लोग बा। हम सब लोग के बराबर सम्मान करीले। जब हमार राजद के साथ गठबंधन रहे वो बेरा भी सब लोग हमारा यहाँ आवत रहे आ जौन भी एक विधायक के नाते जौन भी काम करावे करे हम काम कराई। आज भी हमारे एनडीए के साथ गठबंधन बा तो हर समाज के लोग आवेला, यादव समाज के भी लोग बड़ा पैमाना पर आवेला, अल्पसंख्यक समाज के भी लोग आवेला, अति पिछड़ा भी लोग आवेला, सवर्ण समाज के भी लोग आवेला। हम सबके बात सुनी ले आ सबके काम करी ले। हमारा कोनो जाति विशेष नफरत नहीं है। हाँ जौना बेरा माले में रहनी हमार माले के बैकग्राउंड बा, वामपंथी बैकग्राउंड बा, कहे में कोनो हमारा हिचक नहीं है। वो बेरा कुछ लोग के विरोध रहे लेकिन आज तो हम सब लोग यहाँ जाता नहीं। हमके सब लोग बैठावता, चाय पियावता, अच्छा से बात करता। हमरा उम्मीद बा कि बरी हमरा के हर तबका के वोट मिली। मतलब कहीं ना कहीं जो पुराना बैकग्राउंड रहे ओकरा के लेके उछालल जाता या आरोप लगावल जाता? देखिए लोग नहीं उछालत, जे लोग पॉलिटिकल हमारे विरोध में होई वो उछालत होई। ये हमारा संज्ञान में भी नहीं के उछालता नहीं उछालत। मुख्यमंत्री जी के जो स्टेटमेंट रहे मुख्यमंत्री जी के स्टैंड सही बा, ठीक वहाँ के डिसीजन ले बानी, ये से ठीक डिसीजन ले बानी कि दलित समाज महादलित समाज सबसे कमजोर समाज बा। अगर ओकरा पर कहीं ये तरह के बात हो रहल बा तो ओकरा के नौकरी मान लेता नहीं कि नीतीश कुमार जी देवे के चाहता नहीं ते में का गुनाह बा। हमरा तो बुझाते कि अच्छा बा आ होखे के चाही। एगो सवाल, अभी कोरोना काल बा और कोरोना काल के वजह से बहुत सारा लोग के नौकरी गई बा, पलायन सभे देखला सा, पूरा बिहार के लोग देखला सा। जब पलायन भइल है इतना लोग के तब मुख्यमंत्री जी लगातार रोजगार के बात कर रहल बानी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी रोजगार के बात कर रहल बाने। 15 साल से सरकार बा नीतीश जी के, 15 साल सरकार रहल लालू जी के, का मानल जाओ कि बिहार के नेता लोग के विपदा के इंतजार रहल कि बहुत बड़का कोनो आफत आई जब सब बिलबिलाए लगी तबे हमनी के रोजगार के बात कल जी पहले काहे ना भई? देखिए जब से माननीय नीतीश कुमार जी आइल बने तब से हर मोर्चा पर बहाली भी भइल बा, चाहे वो शिक्षक होके पुलिस कर्मी के बहाली होके या जौन भी सरकारी सेक्टर बा हनु, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ बहाली भइल बा, आगे भी होत रही। जहाँ तक ले और बड़ा पैमाना पर रोजगार के अवसर पैदा करे के बात बा, पर भी काम हो रहा बा। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हाले में जो विधानसभा चलल है, हालांकि एक दिन के विधानसभा चलल, वो विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक नया औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लेके आई बनी। आ वो नीति अला से, औद्योगिक नीति अला से बिहार में छोटा मोटा कल कारखाना के अवसर प्रदान हो जाए, यहाँ छोटा मोटा उद्योग बिहार में लागी आ लोग के रोजगार मिली, पूंजी निवेश खातिर भी लोग आई बिहार में। हमारा ज़्यादा उम्मीद बा तो आवे वाला दिन में रोजगार के मोर्चा पर भी ये सरकार बहुत बेहतर काम करे जाती है। अच्छा जब चुनाव आवेला तबे शिलान्यास काहे होला? अगर पहले काम करा दिहल जाओ तो जनता भुला जाए का कि विधायक जी करेले रहनी। पहलका बात बा कि हम 5 बरस शिलान्यास कैले बनी आ 5 बरस उद्घाटन कैले बनी, ये नया नहीं है। जब ए बेरी के जब हमनी के फंड आई रहा तो ओकर शिलान्यास होता, जब 4 बरिस के हो गए शिलान्यासो हो गए उद्घाटनों हो गए बा, कुछ खराब हो गए न कोनो खराब नहीं है। हमारे पुराना काम जाके कोनो देख ली रहुआ, जहाँ जहाँ भैलो के जाए बुझा लोग बताई आ जाके ओकरा के देख ले। एगो रोड खराब नहीं है भैल, जौन चीज बनौले बनी बढ़िया बनौले बनी, जे संवेदक लोग काम कैले बा बढ़िया काम कैले बा। ए बेरी तबे हमनी के फंड से हमरे ना तमाम विधायक लोग के फंड से अंतिम वाला काम अबे शुरू हो रहा बा, ओकर हम शिलान्यास करतनी आ सब 10 दिन के ऐसा नहीं कि शिलान्यास आज होता चुनाव बाद काम हुई, सब चुनाव के पहले ही काम कुल खत्म हो गई। एगो आखिरी सवाल, जैसा अटकल लगावल जाता और लगातार चर्चा हो रहा बा कि एनडीए गठबंधन में शायद जीरादेई के सीट जन बा ई पहले भाजपा में रहते हुए भाजपा में चल जाओ, अगर कोनो परिस्थिति बस अभी दिक्कत नहीं है दूर दूर तक, लेकिन अगर मान ली कोनो परिस्थिति बस ई भाजपा के कोटा में चल जाता तो राउर स्टैंड का हुई? हमारे स्टैंड ये रहे कि हम एनडीए के साथे बानी
एनडीए के साथ रहे। कुछ हो जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय लेवे के बा, मोदी जी के निर्णय लेवे के बा कि जीरा दे सीट भाजपा के रही कि जदयू के रही। एकर निर्णय करे के अधिकार हमरा नहीं है, हम वो पार्टी के साथ बानी, वो पार्टी के हम विधायक बानी और पार्टी के साथ रहे। अभी कोरोना काल बा, यही में चुनाव होता, भले रिकवरी रेट 80% बाटे, सरकार काम कर रहल बिया, सबसे ज़्यादा जांच भी बिहार में हो रहल बा, ऐसा परिस्थिति में चुनाव होबे करी आ नेताजी लोग जब चले तो हुजूम चलबे करी। कोरोना ऐसा नहीं जब उड़ा गई बा, खत्म बा, अभी कहीं ना कहीं बा, आम जनता से का अपील करे के चाहब? हम आम जनता से यह अपील करे के चाहते हैं कि पहले तो लोग निडर रहें, साहस रहें, हर चीज़ों का मुकाबला हो सकता है और कोरोना का भी मुकाबला हमारे देश में हो रहा है, बिहार सरकार भी कर रही है, लगातार जांच की प्रक्रिया भी बढ़ी हुई है, सबसे ज़्यादा जांच भी हो रहा है, उसका इलाज भी हो रहा है। अब कोरोना पहले की स्थिति में अब नहीं है, वो लगातार वो कमज़ोर भी पड़ते जा रहा है, लोगों का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि सब 2-4 महीने में अब सब पर नियंत्रण हो जाएगा। वैसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगल, चूँकि राहुल समय बड़ा कीमती बाटे, अभी चुनाव सर पर बाटे और जन समर्थन रहुआ जनसंपर्क कर रहा बानी, रुआ हमरा के समय देनी और हमरा से बातचीत करनी, हमरा बहुत अच्छा लागल, उम्मीद करत नहीं कि हमरा टीम से मिलकर रुआ अच्छा लागल। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लागल, हमरो अच्छा लागल रुआ सबसे मिलकर। चलिए तो बत कही सुननी है, बतकुचन रला जीरा देई के वर्तमान जदयू विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी के साथ। उम्मीद करत नहीं कि जौन हमनी के बतकुचन बा सार्थक लागल हुई, निमन लागल हुई। मन में कोनो सवाल होके तो कमेंट करके जरूर पूछे। मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर ले तो कर ली, वीडियो देखला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी ताकि जीरा देई विधानसभा के हर एक मोबाइल में ये वीडियो पहुँच जाओ। धन्यवाद।